हेलो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। आज आप लोगों का थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका टॉपिक है हेल्थ एंड डिजीजेज, यानी स्वास्थ्य और बीमारियां। इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में आप लोग का फर्स्ट टर्म आता है न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट जो है एक पोषक तत्व होता है जिसको हम अपने फूड के माध्यम से लेते हैं, ठीक है। तो जितना भी तरह का जो फूड है, जितने भी तरह के फूड को हम लोग खाते हैं, वो सब में जो है न्यूट्रिएंट पाया जाता है। तो वो न्यूट्रिएंट क्या होता है? उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे जो है ये न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग फूड के ही माध्यम से जो है प्राप्त करते हैं। तो यहाँ जैसे कि हम लिखे भी हैं यहाँ कि न्यूट्रिएंट जो है, इसका डेफिनेशन लिखे हैं कि वो फूड जो होता है उसमें जो सब्सटेंस जो प्रेजेंट जो होता है, जितने भी तरह के सब्सटेंसेस उसमें होते हैं, वही न्यूट्रिएंट कहलाता है। और इसका काम क्या है? यह हमारे शरीर को हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है, स्ट्रांग बनाता है और हमें इनर्जी देता है, ठीक है। तो फूड के ही वजह से हम लोगों को इनर्जी मिलती है जिससे हम लोग अपने सारे काम को कर पाते हैं। आप लोग को पिछले भी क्लास में हम समझाए थे कि किसी भी काम को करने के लिए हमें इनर्जी की आवश्यकता होती है। तो वो इनर्जी की आवश्यकता जो होती है उसे हम लोग फूड से ही प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है? संतुलित आहार, एक ऐसा भोजन जिसमें सही मात्रा में सारे न्यूट्रिएंट मौजूद हों, उसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं। तो सारे न्यूट्रिएंट मौजूद हों मीन्स वही सारा न्यूट्रिएंट जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है ना, इसके बाद विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, फैट हो गया, ये सारा चीज़ उसमें मौजूद होना चाहिए। तो आप लोग जैसा कि देखते हो घर में भी जब आप लोग खाना खाते हो तो अक्सर आप लोगों की थाली में रोटी, सब्जी है ना, सलाद, ये सारा चीज़ होता है। इसके बाद आप लोग अलग से फल लेते हो, दूध पीते हो, दही खाते हो, तो ये सारा जो है जितना भी फूड का आइटम है ये सब में न्यूट्रिएंट मौजूद है और इसी से हमारे शरीर को इनर्जी मिलता है, हमारा सही से विकास होता है और हम इससे स्ट्रांग बनते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि बैलेंस डाइट के बाद दूसरा चीज़ है, यहाँ न्यूट्रिएंट और बैलेंस डाइट, इस दो टर्म के बाद रफेज की बारी आती है। अब आप बोल सकते हो कि रफेज है क्या? तो रफेज जो होता है इसमें किसी तरह का कोई न्यूट्रिएंट नहीं पाया जाता है। तो इसे हम लोग जो खाते हैं तो इसे हमें न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है। तो फिर आप पूछ सकते हो कि फिर इसे हम क्यों खाते हैं? तो इसका क्या काम है? इसका काम है कि रफेज जो है वह हमारे शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है। आप लोग जितने भी तरह के चीज़ को खाते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है या फिर पेट में जाकर जमा हो जाता है, तो उसको इंटेस्टाइन से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए हम लोग रफेज का यूज़ करते हैं। जितना भी रॉ ग्रीन वेजिटेबल जिसे आप लोग सैलड के रूप में खाते हो वो सारा क्या है? रफेज है ना। तो रफेज का काम यही है कि हमारे शरीर की गंदगी को वह बाहर निकालता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें आप देख सकते हो, इसको अलग अलग हम समझाएंगे कि बैलेंस डाइट जो है तो इसको भी बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है। कुछ फूड जो होते हैं वो हमें इनर्जी देते हैं, तो उसमें पोटैटो आता है, शुगर आता है, ऑयल आता है ना। तो ये सब सीरियल्स, जितने भी तरह के अनाज होते हैं, ये सब से हमें क्या मिलता है? इनर्जी मिलता है, क्योंकि ये सब में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? हमारे शरीर को इनर्जी देना, ठीक है। इसके बाद अब बारी आती है, इनर्जी गिविंग के बाद बारी आती है कि जो हमारे शरीर का ग्रोथ करता है, तो ग्रोथ जो करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग फूड में जितने भी फूड हैं जिसमें प्रोटीन का बहुत ज़्यादा रिच अमाउंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। तो ये बॉडी बिल्डिंग फूड जो है ये हम किससे प्राप्त करेंगे? जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन होता हो। तो इसमें आता है जैसे कि आप दूध पीते हो, मछली खाते हो, मटन खाते हो, एग खाते हो, पल्सेस जितने भी हैं ये सब में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। तो ये रिच सोर्सेज है प्रोटीन का जो हमारे शरीर को इस भोजन के द्वारा मिलता है, ठीक है। तो इनर्जी गिविंग हो गया, उसके बाद आप देख रहे हो बॉडी बिल्डिंग फूड होता है,
और तीसरा क्या आता है, वैसा फूड जो हमें बीमारी से बचाता है, है ना। तो वैसे फूड में क्या आता है, वैसे फूड में जितने भी ग्रीन वेजिटेबल जो फ्रेश जो होते हैं, वो जितने भी तरह के हम लोग फ्रूट खाते हैं, वो ये सब क्या करता है, हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। तो हम लोग अब समझ में आ गया कि हम लोग भोजन क्यों करते हैं, ये समझ में आ गई बात। तो हम लोग भोजन बीमारियों से बचने के लिए करते हैं, हेल्दी रहने के लिए करते हैं, स्ट्रांग बनने के लिए करते हैं, हमारे शरीर का समुचित विकास हो इसलिए करते हैं। तो इतने के बाद अब हम देखते हैं कि ये तो भोजन की बात हो गई, हमारे शरीर को भोजन के अलावे भी स्वस्थ रहने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमें रेगुलर एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। तो ये रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो क्या करता है, हमारे बॉडी को मेंटेन रखता है ना, और हमारे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसको इम्प्रूव करता है। जितनी भी हमारी हड्डियाँ हैं वो फ्लेक्सिबल बनी रहती है, हमारा मसल्स जो है वो टोन रहता है, हेल्दी रहता है ना। तो यह हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, तो इसलिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है रेस्ट। हम एक्सरसाइज कर लिए, इसके बाद जो फूड हमें चाहिए वो सारा फूड भी हम कर लिए, लेकिन इसके बाद भी अगर हम आराम नहीं करते हैं तो क्या होता है, हमारा शरीर जो है अच्छे से वर्क नहीं करता है। तो शरीर को अच्छे से वर्क करने के लिए हमें रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। जब हम रेस्ट में होते हैं तो हमारा शरीर क्या करता है, अपने टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करता है। यानी टूटे फूटे अंग मीन्स हाथ पैर टूटना नहीं, प्रत्येक दिन हम लोग जब भी किसी भी काम को करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारा सेल जो है वह टूट जाता है। हम लोग का पूरा शरीर जो है किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। तो वो सेल जो है वह टूट जाता है, तो सेल अगर टूटता रहेगा और बनेगा नहीं तो इससे क्या होगा, हम लोग ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे। तो उसकी मरम्मत के लिए भी हमें रेस्ट की आवश्यकता होती है। तो जब हम रेस्ट में होते हैं तो हमारा शरीर जो है उस समय वर्क करता है, उसको क्या करता है, रिपेयरिंग करता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं डिजीजेज। तो डिजीजेज में हम देखेंगे, डिजीजेज जैसा कि आप लोग जानते हो कि बहुत तरह के डिजीजेज होते हैं। आए दिन आप लोग अक्सर सुनते हो कि कुछ लोगों को हार्ट हो गया, किसी को डायबिटीज़ हो गया, है ना, किसी को टीबी हो गया, किसी को कैंसर हो गया। तो बहुत तरह के रोग हैं। तो इस डिजीजेज को भी क्या किया गया, बांट दिया गया है। एक हो गया कॉम्युनिकेबल डिजीज और दूसरा होता है नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज। तो कॉम्युनिकेबल डिजीज जो हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यानी यह एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुँच जाता है। जैसे कि अभी आप लोग सुन रहे हो, रोज़ सुन रहे हो, कोरोना जो है इतने लोगों को हो गया। तो ये कोरोना क्या है, कॉम्युनिकेबल डिजीज है। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है, हम उसके अगर कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, हमें भी होने का चांस 100% होता ही होता है। इसी तरह से टीबी, जिसको ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, है ना। तो मान लो किसी आदमी को टीबी की बीमारी है और हमें नहीं पता है कि उस आदमी को टीबी है, अगर वो कहीं थूक फेंक देता है या हम उसके ज़्यादा बगल में अगर बैठ कर बात करते हैं तो क्या होता है, उसका जो वायरस जो होता है वो सांस के थ्रू जो है हमारे शरीर के अंदर चला जाता है और उसके बाद हम भी उस रोग से ग्रसित हो सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ये सब डिजीज, इसके बाद आप देखते हो जैसे सीजन चेंज करता है तो कभी कभी फ्लू जो होता है तो उसमें क्या होता है, लोग को बुखार हो जाता है, सर्दी होती है, खांसी होता है। तो इसमें क्या होता है, यह भी जो है मैन टू मैन जो है ये ट्रांसफ़र होता है। किसी एक को अगर घर में सर्दी खांसी या बुखार हो जाता है तो क्या होता है, दूसरे लोग भी उसकी चपेट में आ जाते हैं। अगर वो किसी चीज़ को टच करता है तो, और हम अगर उस चीज़ को टच करते हैं तो इससे भी यह रोग फैलता है ना, हवा से फैलता है। तो ये सब जो है, इसके बाद पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स, मिजल्स, जो आप लोग क्या बोलते हो उसको घर की भाषा में, आप लोग क्या माता जी कहते हो, तो वो माता जी नहीं, वो क्या है, डिजीज़ है। क्या है, डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, वायरस से फैलता है। तो ऐसे ही डिजीज़ को जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलता हो या फिर हवा के द्वारा फैल जाता है, तो ऐसे डिजीज़ को ही हम क्या बोलते हैं, कॉम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। दूसरा होता है नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज़। तो नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज़ जो है, तो ये नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब क्या हुआ, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र नहीं होता है। जैसे मान लीजिए किसी को हार्ट का बीमारी है और आप उसके पास में बैठते हो, खाते हो, फिर भी आपको हार्ट नहीं हो सकता है। किसी को डायबिटीज़ है, शुगर का प्रॉब्लम है, शुगर की बीमारी है,
तो वो भी हम उसके बगल में बैठकर बात करेंगे या खाएंगे, इससे यह रोग नहीं फैलता है। तो ऐसे डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद बाढ़ी आती है, नॉन कम्युनिकेबल में ही डिफिशियंसी डिजीज़ भी आता है। तो डिफिशियंसी डिजीज़ का मतलब क्या हुआ, जब हमारे शरीर में किसी भी तरह के न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो क्या होता है, तब जो है यह बीमारी हो जाती है हम लोगों को। तो ऐसे बीमारी को हम क्या कहते हैं, डिफिशियंसी डिजीजेस बोलते हैं, जो कि विटामिन की कमी से होती है, मिनरल्स के कमी से होती है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, विटामिन ए की कमी से कौन सा डिजीज़ होता है, नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी नाम का बीमारी होता है। तो इसमें होता क्या है कि आदमी जैसे जैसे अंधेरा छाने लगता है शाम के बाद, उसको दिखना कम हो जाता है, वह देख नहीं पाता है अच्छे से। तो यह विटामिन ए के वजह से, अगर विटामिन ए की कमी हमारे शरीर में होती है तो उससे यह रोग होता है। दूसरा होता है बेरी रोग होता है ना, जो कि विटामिन बी की कमी से होने वाला यह रोग है। तीसरा, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, अस्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स हो जाता है, जिसमें क्या होता है, बोन जो है काफ़ी वीक हो जाता है, जहाँ तहाँ से मुड़ जाता है, टेढ़ा हो जाता है। इसके बाद विटामिन ई की कमी से क्या होता है, विटामिन ई की कमी से जो है जल्दी जो है लोग जो है वो बूढ़े हो सकते हैं, है ना। वह जो है क्या करता है, वो आदमी देखने में ऐसा लगता है कम एज का होता है, लेकिन देखने में कैसा लगता है कि बहुत ज़्यादा उसकी उम्र हो गई है, ठीक है। इसके बाद अब बाड़ी आती है मिनरल्स की। तो मिनरल्स में क्या है, आयरन, तो आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, है ना, ये सब क्या है, मिनरल्स है। तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, आप लोग अक्सर सुनते होंगे, बहुत लोगों को क्या होता है, हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो ये हेमोग्लोबिन की जो कमी जो होती है, इसमें क्या होता है, इसी रोग को हम लोग क्या कहते हैं, आयरन से की कमी से होने वाले रोग हैं ये, एनेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एनेमिया कहते हैं। और इसमें रेड ब्लड सेल जो होता है उसमें हेमोग्लोबिन का जो कण जो होता है उसकी मात्रा घट जाती है। तो इससे भी क्या होता है, हम लोग को काफ़ी वीकनेस आने लग जाता है, चक्कर आने लग जाता है, शरीर अच्छे से वर्क नहीं करता, क्योंकि अगर खून की कमी होगी शरीर में तो हमारा शरीर प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है कैल्शियम। तो कैल्शियम की कमी से क्या होता है, एक तो बच्चे बढ़ नहीं पाते हैं सही से, क्योंकि जब बच्चे का ग्रोथ होता है तो उसे केवल प्रोटीन की ही ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसे कैल्शियम की भी ज़रूरत होती है। प्रोटीन से भी हमारा विकास होता है, लेकिन जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं तो उनकी जो हड्डियां होती है वह भी विकसित होती है, है ना, तो उसके लिए भी कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो ये सब क्या हो गया, मिनरल्स। इसके बाद हम देखते हैं क्या होता है, आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर नाम का डिजीज़ होता है। बहुत लोगों का क्या होता है कि ये जो ग्लैंड जो होता है नेक के पास, इसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें काफ़ी स्वेलिंग आ जाता है और ये बिल्कुल बाहर की तरफ निकल जाता है। तो अक्सर बोला जाता है आप लोगों की आयोडीन युक्त जो है साल्ट खाइए। क्यों खाइए, क्योंकि आयोडीन की कमी को यह क्या करता है, दूर करता है, और इससे हमें इस तरह के रोग नहीं होते हैं, है ना। तो इसलिए यह भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें बात समझ में आ गई है। इसके बाद नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल डिजीज़, यानी हम लोगों का जो आज का जो लाइफ स्टाइल है वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, हम लोगों का खान पान सही नहीं है। अक्सर बच्चे जो होते हैं वो क्या खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं बर्गर, पिज़्ज़ा, है ना, इसके बाद चाउमीन, मैगी, कोल्ड ड्रिंक, ये सब लेते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा शरीर जो है वह ओवरवेट होना शुरू हो जाता है। और इस ओवरवेट के वजह से बहुत सारी बीमारियां हमें हो सकती है। क्या क्या हो सकती है, इससे हार्ट का डिजीज हो जा सकता है, है ना। बहुत ज़्यादा शुगरी फूड खाने से भी क्या होता है, शुगर की बीमारी हो जा सकती है ना, लीवर की बीमारी हो जा सकती है। तो ये जो फास्ट फूड जो होते हैं यह हमारे शरीर में अच्छे से डाइजेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि यह जो है किससे बना होता है, मैदा से बना होता है, इसमें बहुत ज़्यादा चीनी की मात्रा होती है, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो अब हम जब हेल्थ की बात कर रहे हैं, डिजीज़ की बात कर रहे हैं, तो इसके बाद हम करेंगे कि और भी तरीका है जिससे कि हम रोग से बच सकते हैं। कैसे, पर्सनल हाइजीन, यानी अपने आप के साफ़ सफाई पे ध्यान देना। क्यों, आप लोग जब स्कूल आते हो तो बराबर बोला जाता है आप लोग साफ़ कपड़ा पहन के आओ,
आपका नेल्स कटा होना चाहिए। ऐसा क्यों बोलते हैं हम लोग? इसलिए बोलते हैं कि आप लोग को किसी भी तरह का कोई रोग ना हो। जब लोग ज़्यादा गंदा रहता है, गंदा कपड़ा पहनता है, तो क्या होता है, उससे जो है इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है और हमारे शरीर में बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं। आप देखते हो कि जब पसीना चलता है तो बहुत लोगों का पसीना जो है बहुत ज़्यादा बदबू आता है। उससे क्यों आता है बदबू? क्योंकि उसमें बहुत सारा जो है बैक्टीरिया होता है। हमारी स्किन पे ऑलरेडी जो है सारा दिन जो है डस्ट आकर के चिपकता है, बहुत सारे जर्म्स होते हैं जो इस पे मौजूद होते हैं, है ना। और उस वजह से क्या होता है कि अगर वो ज़्यादा देर तक अगर इस स्किन पे रहता है, हम उसकी सफाई नहीं करेंगे। बहुत सारा बच्चा ठंडा के दिन में क्या करता है, दो दो दिन तीन तीन दिन नहीं नहाता है। तो क्या होता है, दो दो तीन तीन दिन नहीं नहाने से क्या होता है, वह बीमार पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बीमार पड़ने के, इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। इसलिए पर्सनल हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर्सनल हाइजीन के साथ साथ केवल अपने शरीर की ही सफाई पर नहीं ध्यान देना है। हम जहाँ रहते हैं, चाहे वो घर हो या हमारे घर के आसपास का जगह हो, वहाँ की भी सफाई पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपका घर बहुत साफ़ है और बगल में नाला है और वो नाला जो है बिल्कुल ब्लॉक है, बहुत सारा पानी जमा हुआ है, तो इससे क्या होगा, बहुत सारे उस पर मच्छर जो है बैठते हैं, मच्छर ब्रीडिंग करते हैं, अंडा देते हैं और उसे बहुत तरह की बीमारियाँ फैल सकती है। कहीं आसपास ज़्यादा कचरा होता है तो क्या होता है, उससे भी बैड स्मेल आता है, उससे भी हमें क्या हो सकता है, ब्रीदिंग डिजीज़ हो सकती है। तो ये सब कारण है कि अक्सर कहा जाता है कि हमेशा अपनी सफाई के साथ साथ अपने घर और आसपास की भी सफाई पे ध्यान देना चाहिए। समझ गए आप लोग का, हो गया ये? थैंक्स।